अयोध्या में जल्द ही श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और साथ ही श्री रामानंद सागर के रामायण में काम करने वाले वो कलाकार जिन्होंने राम लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाया था, यानी कि अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया, इनका एक वीडियो सामने आया है अयोध्या से। वो अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसके कारण ये पूरा रामायण हुआ। हम बात कर रहे हैं शूर्प रेखा की। रामानंद सागर के रामायण में जिस कलाकार ने इस रोल को निभाया था उनका नाम है रेणु धरीवाल, जो कि बहुत ही कम एज में ही वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चली आई थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था और इसी दौरान उन्होंने रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन किया था और वो वहां पर एक्टिंग सीखने लगी थी और इसी दौरान गोविंदा वो उनकी क्लासमेट थी। एक दिन रेणु ने प्ले किया था और उसी दौरान रामानंद सागर की एक नजर रेणु पर पड़ी और उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर रामानंद सागर ने रेणु को अपनी सीरियल रामायण में शूर्परेखा का रोल ऑफर किया था। यानी कि रामानंद सागर ने रेणु को ऑडिशन के लिए बुलाया था और रेणु ने आगे बताया कि ऑडिशन रामानंद सागर के बंगलों पर हुई थी। रेणु ने आगे बताया कि उन्हें पहले ही कहा गया था कि वो शूर्परेखा के ऑडिशन के लिए जा रही है। उन्हें यह भी कहा गया था कि उन्हें ऑडिशन के दौरान जोर जोर से हंसना है, जैसा कि कोई राक्षस या राक्षसनी हंसता है। और रेणु ने भी ऑडिशन के दौरान यही सब कुछ किया, उन्होंने जोर जोर से हंसे और साथ ही उन्हें शूर्परेखा का रोल भी ऑफर हुई। उन्हें साइन कर लिया गया, उसके बाद ही उन्होंने रामायण की शूटिंग चालू कर दी। रेणु ने आगे एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि तब रामायण की शूटिंग उमरगांव में होती थी और करीब 2 महीने तक उन्होंने अपने रोल के लिए शूट किया और उसके बाद जाकर उन्हें 30,000 रुपए का पेमेंट मिली थी। वैसे आपको बता दें कि रेणु शूर्परेखा के रोल के लिए पहली चॉइस नहीं थी। रामानंद सागर ने इससे पहले ये रोल रेखा सहाई को लेना चाहती थी और रेखा ने ये कह के मना कर दिया कि शूर्परेखा बहुत ही बदसूरत दिखती है और उनकी हंसी भी बहुत ज्यादा डरावनी होती है, और तब जाकर रेणु को ये रोल ऑफर किया गया। रेणु ने अपना रोल तो बहुत ही अच्छे से निभाया, लेकिन कहा जाता है कि रामायण खत्म होने के बाद उन्हें तब जाकर दिक्कत होने लगी जब लोग उन्हें सड़कों पर शूर्परेखा या राक्षसी कह के इंसल्ट करने लगे। जहां एक तरफ श्री राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार को निभाने वालों को भगवानों की तरह लोग पूजने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ रेणु के साथ ऐसा बर्ताव। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी रेणु फिल्मों में एक्टिव थी। उन्होंने वीआर चोपड़ा की चुन्नी सीरीज में काम किया, उसके अलावा भी उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म दिल आशना में भी काम किया था, लेकिन उन्हें ज्यादा फिल्में ऑफर नहीं हुई। और साथ ही एक वक्त ऐसा आया जब रेणु ने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया और वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। और पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो रेणु ने शादी के बाद अपना सरनेम भी बदल दिया, रेणु घड़ीवाल से अभी वो रेणु खनोलकर बन गई। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।